भाई आ गए आप लोग। आज जो है चेक करेंगे भाई हमारी एक्टिवा BS6 को आपको लेनी है या नहीं लेनी है, क्यों लेनी चाहिए क्यों नहीं लेनी चाहिए, सब कुछ बता दूंगा भाई इस वाली वीडियो में। बने रहना वीडियो के अंदर भाई, एक भी वीडियो नहीं मिली मेरे को यूट्यूब पे जिसने भाई इन चीजों पे डिस्कस किया हो। तो इस वाली वीडियो में शुरू करते हैं। बाइक म्यूटर्स की न्यू वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं और सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। इसी के साथ डेली अपडेट रहने के लिए फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। भाई जो लोग बिना वीडियो देखे कमेंट करने वाले हैं उनके लिए भाई पहले ही एक चीज बता देता हूँ भाई, मैंने एक दो पॉइंट्स अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से रखे हैं और बाकी मैंने गूगल पे जाके सर्च करा के भाई लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बता दूं आप भी गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं एक्टिवा प्रॉब्लम। और जैसे ही आप ये लिखेंगे एक्टिवा प्रॉब्लम, सबसे पहली चीज आपकी नजर में आएगी एक्टिवा प्रॉब्लम सोल्यूशन। उसी के साथ आपको नीचे लिखा हुआ आएंगे काफी सारे जो सजेशन आते हैं, एक्टिवा मिस फायर सोल्यूशन, एक्टिवा पिकअप सोल्यूशन, हाउ टू इंक्रीज एक्टिवा और वो जो एवरेज है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो के अंदर आपको मैं सारी चीजें आज बता ही देता हूँ कि भाई क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी है और नहीं करनी है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किन लोगों के लिए एक्टिवा जो है प्रेफरेबल है, सबसे अच्छी गाड़ी उनके लिए है। जैसे कि जिन लोगों का भाई सामान वामान ले जाने का काम होता है, काफ़ी सारा जो है माल वाल लोड करके एक्टिवा पे घूमते रहते हैं। जैसे कि दिल्ली की बात करूँ तो भाई चांदनी चौक के लोग, करोल बाग के लोग और जितनी भी मार्केट के अंदर लोग हैं सारे के सारे जो है एक्टिवा प्रेफर करते हैं। पहली बात मेटल बॉडी है, अगर लग लुक जाती है तो भाई डेंट वेंट आ जाते हैं बट बॉडी टूटती नहीं है और ये नहीं है कि यहाँ वहाँ गिर जाएगी। सेकंड जो इसकी अच्छी बात है कि भाई ड्यूरेबल रहती है स्कूटी, जो पावर है भाई वो लोडिंग के बाद भी वैसी है और बिना लोडिंग के वैसी भी है, तो कह सकते हैं काइंड ऑफ थोड़ी सी ड्यूरेबल रहती है एक्टिवा इस केस के अंदर। थर्ड पॉइंट है कि अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करूँ तो मेरे हिसाब से कोई इतनी ड्यूरेबल नहीं है जो कि इतना सारा लगेज ढोने के बाद भी लॉन्ग लाइफ तक स्कूटी मेंटेन रह जाती है, तो यहाँ पर जो है एक प्लस पॉइंट है। और एक्टिवा जो है बेसिकली उन सब लोगों ने प्रेफर करी थी जो पहले स्कूटर यूज़ करते थे, तो जिन लोगों को चेतक में किक मारने की और लेटा के स्टार्ट करने की आदत लगी हुई हो तो उन लोगों के लिए एक्टिवा भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप लोग वीडियो बंद करके अभी जा सकते हैं, कमेंट में गाली लिखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो भाई जाओ और मौज काटो। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ भाई किन लोगों को एक्टिवा से बच के रहना चाहिए, एक्टिवा नहीं लेनी चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स है गूगल से भी निकाली हुई है, तो सबसे पहले जो मेरी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम थी भाई वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई मिसिंग की प्रॉब्लम थी। और सेकेंडली जो है स्कूटी रेड लाइट पर खड़ी होती थी तो बंद हो जाती थी। कुछ लोग कहेंगे भाई कार्बोरेटर एडजस्ट करके जो है आप ट्यूनिंग करके इसको सही कर सकते हो, तो भाई मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ खरीद रहा हूँ, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि भाई हर सर्विस पर मैं उसकी ट्यूनिंग कराता रहूँ या फिर जब भी वो बंद हो रही है बार बार जाके मैं उस चीज़ के पीछे पड़ा रहा हूँ और उसको ठीक कराता रहूँ। तो भाई मैंने जो है ट्यूनिंग करा के प्रॉब्लम सॉल्व करी थी सेम जैसे कि लोग सजेस्ट करने वाले थे, तो ये प्रॉब्लम उस टाइम के लिए सॉल्व हो गई थी बट बीच में फिर एक दो बारी आई। बट अब जो है फ्यूल इंजेक्शन मिलने वाला है BS6 के अंदर, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी मिसिंग की और बीच बीच में बंद हो जाने की। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कार्बोरेटर वाली स्कूटी बाइक एक ऐसी चीज़ है, कार्बोरेटर एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कहीं पर भी खड़े हैं कहीं पे आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है आपकी कार्बोरेटर पे है और वो ऑन नहीं हो रही है, तो ईजिली जो है मैकेनिक उसको ओपन करने के बाद उसको ठीक कर सकता था, उसकी ट्यूनिंग कर सकता था। उसके अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, कभी जेट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी जो है सॉल्व हो सकती थी। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन प्रॉपरली आपका इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे वर्क करने वाला है, आपका ECU के अंदर जो मैपिंग है उसके अंदर जो प्रोग्राम डला हुआ है उसी हिसाब से वो एयर फ्यूल का मिक्सचर बनाएगा और एक्टिवा को पहुंचाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी गाड़ी एवरेज ज़्यादा देगी और आपकी रिफाइनमेंट बढ़ जाएगी, बट इसका नुकसान भी है कि भाई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती, आप मार्केट में किसी को भी नहीं कह सकते कि भाई ये चीज़ सही कर दे। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी अगर मिसिंग की और ये प्रॉब्लम फ्यूचर में रहने वाली है, तो वेट करना थोड़ा सा, मार्केट में गाड़ी आने देना, उतरने देना, चलने देना, फीडबैक मिलेंगे कस्टमरों के, तो आप जान जाओगे आपको ये गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी है। सेकेंड पॉइंट, अब जब एवरेज की बात करी है तो एवरेज की बात बता देता हूँ भाई, एक्टिवा मेरे हिसाब से अपने कॉम्पिटिटर लाइन के अंदर जितनी भी गाड़ी है, जुपिटर ले लो, एंटॉक ले लो, उसके बाद आप ले लो SR125 और पता नहीं कितनी स्कूटीज है मार्केट के अंदर सबके ऊपर, वैसे मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ तो जरूर से चैनल पर जाकर देख लेना। इतनी सारी कॉम्पिटिटर के बीच में रहने के बाद भी एक्टिवा की माइलेज मेरे को सबसे ज़्यादा कम लगी, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले 2012 मॉडल एक्टिवा थी, उसके बाद मेरे पास दो एक्टिवा 4G है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई दोनों एक्टिवा 4G के अंदर से दोनों में से एक भी जो है 3500 से ऊपर एवरेज नहीं दे रही है, और मेरी वाली जो थी वो भी 35 और 30 के बीच में ही एवरेज देती थी 2012 मॉडल। तो यार ये चीज़ जो है आपको कंसिडर करनी है कि अगर एवरेज इंक्रीज नहीं हो पाई FI वेरियंट के अंदर भी, तो मेरा मानना ये है कि भाई आप एंटॉक के ले जाएं, क्योंकि मोर पावर मिलेगी और अच्छी खासी जो है लुक्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एंटॉक के लिए सेपरेट वीडियो है, चैनल पर जाके देख लेना, इसके अंदर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे एंटॉक के बारे में, बात करते हैं एक्टिवा के लिए। तो अगर एवरेज से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है, आपको चाहिए ड्यूरेबल, जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में कहा माल वाल लोड करो दबा के चलाओ क्या दिक्कत है, तो भाई ले लेना एक्टिवा कोई दिक्कत नहीं है।
थर्ड नेगेटिव पॉइंट इसका बताना चाहूंगा कि भाई स्टोरेज के बारे में, जहाँ पे एंटोक के अंदर काफ़ी लार्ज स्पेस मिलता है, जुपिटर के अंदर भी ऑलमोस्ट एक्टिवा जितना ही मिलता है बट थोड़ा सा जो है बड़ा है, और उसी हिसाब से अगर एक्टिवा 110 जो BS6 वाली आने वाली है तो भाई इसके अंदर स्टोरेज स्पेस की मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि जो फोटो ऑनलाइन शेयर हुई है होंडा की तरफ से वो सेम एज नज़र आ रही है कि भाई उस वाली स्कूटी के अंदर भी सेम हमको स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी जैसे कि हमको 110 CC के अंदर 4G 5G के अंदर देखने के लिए मिला था। तो भाई ये चीज़ जो है आई डोंट नो सही है कि गलत है, बट स्टोरेज स्पेस अगर सेम टू सेम हुई तो आपको फिर से वही सेम झेलनी पड़ेगी। मेरी नज़र में तो प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा एक फुल फेस हेलमेट उसके अंदर नहीं आ सकता, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, आपके लिए क्या है? आप कमेंट करके बता देना कि भाई आपको स्टोरेज से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, या फिर आपको भी वही गाड़ी चाहिए भाई माल लादो और खींच के चलाओ। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है कि भाई एक्टिवा के अंदर सबसे लीस्ट फीचर है, सबसे लीस्ट सबसे कम जिसको कहते हैं ना कि भाई कम फीचर वाली स्कूटी, वो है उसके अंदर देखने के लिए। इसका एक बेनिफिट ये है कि भाई फ्यूचर के अंदर वायरिंग वायरिंग जो खराब होते हैं, सेंसर वेंसर कम है, तो इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी जिनके अंदर ज़्यादा वायरिंग है और ज़्यादा सेंसर है, ज़्यादा चीज़ें लगी हुई है जो उनके अंदर देखने के लिए मिल सकती है। बट नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई अगर 5 साल भी गाड़ी चला रहे हो और सारे फीचर्स वर्क कर रहे हैं 5 साल सही से, तो फीचर्स होने चाहिए थोड़े बहुत, जैसे कि एंटोक के अंदर मैप देखने का फीचर है, फ़ोन कनेक्ट करने का फीचर है, और अदर काफ़ी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं स्कूटी में जो कंपेयर आप कर सकते हो अगर आप एक्टिवा लेने जाओगे, तो फीचर्स होने चाहिए बट इसके अंदर थोड़े से कम देखने के लिए मिलते हैं। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट है भाई इस स्कूटी की बैटरी लाइफ। जो एक एक्टिवा थी उसके अंदर तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई, बट सेकंड वाली के अंदर मेरे को प्रॉब्लम आई थी कि उसकी एक्टिवा की बैटरी डाउन हो गई थी शायद 2 या 3 महीने के अंदर ही। तो मैं वहाँ पे गया था तो उन लोगों ने बैटरी के लिए पहले तो एक स्लिप बना के दे दी और कहा कि मेन सेंटर पे जाना, एक साइड के वहाँ जाके आपको बैटरी मिलेगी। मैं वहाँ गया, उन लोगों ने स्लिप चेक करी, उसके बाद स्कूटी खोल के फ्रंट साइड से चेक करी, कोई हॉर्न तो नहीं लगा हुआ, कोई LED तो नहीं लगी हुई, कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरी तो नहीं लगी हुई जो कैपेसिटी कंजप्शन हो स्कूटी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसके अंदर कुछ भी नहीं था ऐसा, तो उन लोगों ने मेरे को न्यू जो है बैटरी उसके अंदर डाल के दे दी थी। तो बैटरी खराब होना एक नेगेटिव पॉइंट है मेरी नज़र में, क्योंकि अगर बैटरी आपकी टोटली पूरी डाउन हो गई है तो भी आप अभी वाली एक्टिवा को शुरू कर सकते हो क्योंकि भाई वो कार्बोरेटर पे वर्क कर रही है, बट जो आपकी FI आने वाली है भाई अगर FI को बिजली नहीं मिलेगी तो वो कहीं से भी ऑन नहीं होगी, तो ये चीज़ आपको एक बार नोटिस करनी पड़ेगी। ना तो वो धक्का स्टार्ट, तो एक्टिवा वैसे भी नहीं होती, सॉरी बाइक के केस में होता है वो चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि भाई जब तक फ्यूल इंजेक्शन को बिजली नहीं मिलेगी वो नहीं वर्क करेगा ना वो चलेगा। तो ये चीज़ एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर कभी आपकी बैटरी के साथ प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको पहले बाहर धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद आप बैटरी चार्ज करवाओगे जो भी करवाओगे उसके बाद वो ऑन होके देगी। सिक्स इसका जो है नेगेटिव पॉइंट वो मैं बताना चाहूंगा भाई, हैंडलिंग इतनी जल्दी इधर उधर नहीं घूमती, थोड़ी सी हैवी लगती है हैंडल के मामले में ये जो है। और पहले के जो है शॉकर ये वाले आते थे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब इसके अंदर टेलीस्कोपिक मिल गया जो कि एक अच्छा पॉइंट है। मेरे को उम्मीद है कि भाई इस वाली स्कूटी के अंदर BS6 के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगने के बाद हैंडलिंग इंप्रूव हो जानी चाहिए, फटाफट इधर उधर भगनी चाहिए, बट अगर ये भी नहीं इंप्रूव हुई तो ये भी एक आप नेगेटिव पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है, तो भाई एंड करते टाइम भाई एक चीज़ सबसे पहले करनी होती है, यहाँ रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन है भाई उसको ग्रे करके जाना है, और यहाँ पे जो ये वाला आइकन है तो ये दबा दो वीडियो पसंद आई है, नहीं तो ये वाला भी दबा देना अगर वीडियो नहीं पसंद आई है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपको किस तरीके का कंटेंट पसंद है, कैसा कंटेंट पसंद है वो कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ के ऊपर बना दूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।